अब विचार यह करना है कि शिक्षित होने की कसौटी क्या है, तो कहना होगा कि ज्ञान, विज्ञान, कला आदि के द्वारा हम अपने को इतना सुंदर बना लें कि समाज को हमारी आवश्यकता अनुभव होने लगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि हम अभी शिक्षित नहीं हैं। यह नियम है कि समाज उसी की आवश्यकता अनुभव करता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ हो, जिसे अपनी पूर्ति के लिए ही समाज के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, उसे समझना चाहिए कि अभी मेरे जीवन में गुणों का विकास नहीं हुआ। जब यदि कोई यह कहे कि हम समाज के ऋणी क्यों हैं, लालन पालन तो हमारे माता पिता आदि कुटुंबी जनों द्वारा हुआ, शिक्षा अर्थ के आधार पर हुई एवं प्राकृतिक वस्तुओं पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कहना होगा कि गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वांश में, समाज में, समाज से संबंध विच्छेद करके जीवित नहीं रह सकता। जैसे जिन सड़कों पर तुम चलते हो वे केवल तुम्हारे माता पिता भाई ने नहीं बनवाई है, ऐसी अनेक आवश्यक सुविधाएं हैं जो सामाजिक सहयोग से ही सिद्ध होती हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें तुम अपना कुटुंबी जन कहते हो वे भी तो समाज के ही एक अंग हैं। शिक्षा की प्राप्ति भी शिक्षकों के द्वारा होती है, केवल अर्थ से ही नहीं। अर्थ तो केवल परस्पर कार्य चलाने का माध्यम मात्र है। सच तो यह है कि जीवन में अर्थ की अपेक्षा नहीं है, आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा है, जिनका उत्पादन शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम तथा प्राकृतिक तत्व के द्वारा होता है। और शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का महत्व अर्थ से कहीं अधिक है, अथवा यूं कहो कि अर्थ शिक्षा को उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु शिक्षा अर्थ को उत्पन्न कर सकती है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा के बिना मानव मानव नहीं है। अब विचार यह करना है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो कहना होगा कि समाज की उपयोगिता की सिद्धि जिस योग्यता से सफल हो उस योग्यता का नाम शिक्षा है। किसी उपाधि, डिग्री, विशेष से ही शिक्षा नहीं मान लेना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति की
समाज को आवश्यकता सदा ही रहती है। कारण कि कर्म करने में कुशलता सभी को अभीष्ट है। माता पिता आदि के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने से योग्य संतान उत्पन्न करें तथा समाज के बालकों की यथोचित सेवा करें। भोजन देने वालों के ऋण से मुक्त होने के लिए पशु एवं वृक्ष आदि की यथेष्ट सेवा करना और प्राकृतिक शक्तियों को दूषित न करना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अपने जीवन का कुछ भाग शारीरिक और बौद्धिक श्रम द्वारा शिक्षा देने में व्यय किया जाए। केवल अर्थ के द्वारा ही कोई शिक्षा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कारण कि नौकर वास्तविक शिक्षक नहीं हो सकता। बड़े बड़े विद्यालय तथा प्रयोगशाला खोलने मात्र से भी शिक्षा नहीं हो सकती। और यदि कोई आज के युग में अर्थ के बल पर शिक्षित हो भी जाए तो वह उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर सकेगा। केवल अर्थ संपादन में ही लग जाएगा। सेवा भाव से प्राप्त शिक्षा सेवक बनाती है और अर्थ के द्वारा प्राप्त शिक्षा लोभी बनाती है। ज्यों ज्यों समाज में सेवा भाव की वृद्धि होती है त्यों त्यों सुंदर समाज का निर्माण होता है। और ज्यों ज्यों समाज में लोभ की वृद्धि होती है त्यों त्यों समाज में दरिद्रता तथा संघर्ष उत्पन्न होता है। यह सभी को मान्य होगा कि शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के बिना समाज में भलाई अथवा बुराई फैल नहीं सकती। भले शिक्षक होने से भलाई फैलेगी, भले शिक्षक वे ही हो सकेंगे जिन्होंने सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त की हो और जिन्हें सेवकों ने अपने जीवन से शिक्षा दी हो। यह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि बालकों का सुधार ही समाज का सुधार है। कारण कि बालक ही भविष्य का राष्ट्र तथा समाज है। बालक का सुधार तभी संभव होगा जब उसे नौकर तथा स्नेह की गोद से मुक्त कर सत्य की खोज तथा सार्थक चिंतन करने वाले सेवक की गोद में रख दिया जाए। कारण सेवक और बालक का जीवन उपार्जन काल है, उपभोग काल नहीं है। यह नियम है कि बालक देखकर बदलते हैं। जब उन्हें सच्चाई सच्चरित्रता एवं उदारता आदि दिव्य गुण संपन्न जीवन देखने को मिलेगा तो वे स्वयं वैसे ही बन जाएंगे। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि बालकों के विकास के लिए सच्चे सेवकों
का निर्माण अनिवार्य है। सच्चा सेवक वही हो सकेगा जो गुणों के विकास तथा मर्यादित उपभोग के पश्चात जीवन सेवा में व्यतीत करे। सेवा करने से स्वार्थ भाव गल जाता है। स्वार्थ भाव गलते ही राग द्वेष मिट जाते हैं और जीवन त्याग तथा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। त्याग से चिर शांति तथा प्रेम से नित नव रस स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव की वास्तविक मांग है। उसकी पूर्ति तभी संभव हो सकेगी जब हम वस्तु विभाजन का व्रत धारण करें। वह तभी संभव होगा जब हम अपनी प्राप्त योग्यता के अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं। कारण कि साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है।